अमित पांडे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, मुख्यालय से। अमित, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर तीनों राज्यों से। और तीन राज्यों से किशोर, जैसे ही अच्छी खबर आई है, देखिए मैं तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ। लोग प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट लेकर यहाँ पर आ गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले नारियल यहाँ पर फोड़ा गया है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि तीन राज्यों में जो बीजेपी जीती है उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में अब लोग आ रहे हैं। अमूमन 9 बजे के बाद हलचल होती है यहाँ पर, तो इस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए किशोर की, आरती अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने सजाई है, उसके बाद थाल था, आरती का थाल था, उसके अलावा जो लोग हैं सेलिब्रेशन के वो आए हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय यहाँ पर आगे आएगा इस तरीके के लोग आएंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे। और जाहिर सी बात है तीन राज्यों में ये जीत रहे हैं, तो अब और कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद यहाँ पर होगी। जी जी हाँ। और इधर अगर चेहरों की बात करें, हमें ये तो बीजेपी दफ्तर की बात हुई, चेहरों में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, स्वामी वैराग्यनंद समाजवादी पार्टी के बुधनी से वो पीछे चल रहे हैं, मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर जो वहां से खड़े हुए थे वो पीछे चल रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के सोनकच्छ से पीछे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, दीपक कैलाश जोशी कांग्रेस के जो पूर्व सीएम बीजेपी के कैलाश जोशी के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं, विजय शाह बीजेपी के कैबिनेट मंत्री आगे चल रहे हैं हरसूद मध्य प्रदेश से, राजवर्धन सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह, मध्य प्रदेश वाले राजवर्धन सिंह। उधर राजस्थान में जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे थे कुछ देर पहले, किरोड़ी लाल मीणा हालांकि आगे चल रहे हैं सवाई माधोपुर से, दानिश अबरार सवाई माधोपुर से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं सीएम गहलोत के जो सलाहकार हैं, उधर सचिन पायलट टोंक से पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर ये राजस्थान से, सचिन पायलट खुद का पीछे चलना टोंक से, भागीरथ चौधरी बीजेपी के लोकसभा सांसद भी पीछे चल रहे हैं किशनगढ़ राजस्थान से। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, 69 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन आगे, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन जो है 69 सीटों पर आगे है, बीआरएस को भारी नुकसान वहां पर होता हुआ, बीआरएस सिर्फ 38 सीटों पर आगे, बीजेपी 7 सीटों पर तेलंगाना में आगे, ये 7 सीटें भी तेलंगाना में बीजेपी के लिए पास, पिछली बार एक था। देखिए क्या है, तेलंगाना में जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है ये यहाँ से एक सीट भी जो राजा सिंह की है वही निकल पाएगी जिस क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं, कि ये पलट जाएगा। देखिएगा कि उनको भी बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। और आप कांग्रेस का देखिए कि कैसे 19 से जो 60 की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है और तमाम बाकी जगहों पे, जब छत्तीसगढ़ में काफी लीड में कांग्रेस नजर आ रही है अभी, तो ये चीज आप कह रहे हैं कि पलटेगा कांग्रेस का आंकड़ा। राजवानी जी, 7 सीट से 70 सीट तक लीड लेना, ये तो कहीं ना कहीं आपको राहुल गांधी के पदयात्रा का कम से कम ये तो है वहाँ फायदा मिला तेलंगाना में। ये मुझे लगता है राहुल गांधी जी का नाम, अच्छा तेलंगाना में राहुल गांधी का फायदा नहीं मिला या नहीं मिला? आप ये देखिए कि तेलंगाना की स्थिति देखिए, 38 बीजेपी प्लस 7 टाइम्स बढ़ गई है। पर नहीं पर कांग्रेस का 69 होना भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं है तेलंगाना में? दूर दूर तक नहीं था, क्यों बाकी जगह क्या हुआ? और आप तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा कोई असर नहीं है कि, क्योंकि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का किशोर जी 4000 राहुल गांधी द्वारा जो है 4000 रुपए महिलाओं को महीने देने का वादा केवल वही तेलंगाना में लेके आया, बाकी कोई यात्रा और उसका कोई असर नहीं है। मतलब ये तो बात वही हो गई, राहुल गांधी बोले तो वो 4000 का वादा फ्री बीज, और आप बोलो तो वो वेलफेयर, हद स्थिति है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि नहीं है? किशोर जी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, क्या बीजेपी इसमें मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना, देखिए तेलंगाना के अंदर हो गया, साउथ के अंदर तो इतना जबरदस्त असर था जब उन्होंने कन्याकुमारी रेवड़िया बांटेंगे तो यही असर होगा, और सिर्फ थोड़ी सी कब तक मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं है? नहीं जो अगर कोई प्रो पुअर काम होता है तो रेवड़िया तो आप मत बोलिए, क्योंकि आपकी सरकार जब करती है तब वो वेलफेयर पॉलिटिक्स हो जाए। देखिए तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 19 दिनों तक चली, देखिए सोनिया अम्मा बोला जा रहा है वहाँ पे, जब से तेलंगाना में कितने दिन चली थी? 19 दिन तक चली थी भारत जोड़ो यात्रा, और उसका मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी 19 दिन चलेगी भारतीय जनता पार्टी 7 गुना बढ़ जाएगी। किशोर भाई एक चीज तो साफ होगी, साउथ के अंदर जो है कांग्रेस ने किला जो है भारतीय जनता पार्टी का बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए गैप कम हो रहा है, छत्तीसगढ़ अंदर इससे सुहा से कह रहा हूँ,
छत्तीसगढ़ का मामला बदलेगा, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन। मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ, कान बंद के बंद करके रखना चाहती हूँ। देखिए, मुंह बंद करने से तो अच्छा कान बंद रखिए। कान बंद रखना चाहती हूँ क्योंकि जो ये सब में जो कचर पचर हो रहा है तो सुनना नहीं चाहती। सवाल वही है जो हमने सुबह में स्टार्टिंग में आंकड़े बताए थे, उसी तरफ जाता नजर आ रहा है। तीन राज्यों में बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है और यही चौंका देने वाले ऐतिहासिक चुनावी नतीजों की। जी हाँ, ये ऐतिहासिक। मुस्कुरा रहे हैं मनोज जी, लगातार हमारे साथ बने हुए, सारी बात सुन रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे सबसे आसान सवाल पूछता हूँ। सबसे आसान सवाल ये कि तेलंगाना में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि कांग्रेस इतना बढ़ गई है? और इस बीच आपको बता दूं, कांग्रेस आगे हो गई है छत्तीसगढ़ में आपसे, 45 पर कांग्रेस, 43 पर बीजेपी। जी, देखिए ऐसा है किशोर जी, जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक नहीं है, वो कह रहे थोड़ी देर में नतीजे बदलने वाले हैं। बस कांग्रेस की पार्टी के जो राजनीतिक विश्लेषक समर्थक, वो बोले थोड़ी देर में कुछ नतीजे बदलने वाले हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस बढ़त बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जिस तरह से आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी जो नीतियां थी उनका जो वहां पर असर है। दूसरा क्या, किस तरह से अखंड भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए थे। मैं दुर्ग संभाग की बात करूं, दुर्ग संभाग में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करने वाली है, रायपुर संभाग में बहुत अच्छा कर रही है, और सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में तो बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। खुद विजय भूपेश बघेल जी पीछे चल रहे हैं। जहां तक तेलंगाना का सवाल था, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का असर तेलंगाना में हो जाता है लेकिन चोर में छिंदवाड़ा में यहां पर यात्रा करते हैं तो राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में कहीं वो उनका असर दिखाई नहीं देता है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये कैसी यात्रा है, एक जगह असर करती है, दूसरी जगह असर नहीं करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी भी, अगर राहुल गांधी जी, क्या इस हार का ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ा जाए कि नहीं फोड़ा जाए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा कहां असर कर रही है?